पानी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि राजस्थान सरकार और प्रशासन इस मामले को पूरी तरह से हल्के में ले रहा है? और ऐसा हम नहीं कह रहे, हम इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार हर घर नल का जल पहुंचाना चाहती है। इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया, लेकिन राजस्थान में प्रशासन इस काम को बेहद धीमी गति से कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। जब सरकारों के हित और राजनीतिक दलों के मंसूबों में टकराव होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। 2024 तक हर घर नल के पानी के सपने देख रही राजस्थान की जनता को ये खबर देखकर झटका लग सकता है। सत्ता और सिस्टम से आपका भरोसा टूट सकता है कि जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में 29वें नंबर पर है। हाल ही में सीएम गहलोत ने मिशन को गति देने के निर्देश भी दिए, लेकिन अधिकारी इस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। काम की चाल कछुआ चाल है। पश्चिम, मध्य और उत्तर पश्चिम राजस्थान के करीब दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां पानी की भयंकर किल्लत है। लोगों को एक घड़ा भर पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में मोदी सरकार के जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा उम्मीदें राजस्थान को थी, सबसे ज्यादा राजस्थान की जनता के चेहरे खिले थे, लेकिन राजस्थान का प्रशासन इस काम को बेहद धीमी गति से आगे बढ़ा रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि तैयारी में समय लगता है, लेकिन अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये लक्ष्य कभी आप समझेंगे कि एक महीने में 3 लाख, कभी 5 लाख कनेक्शन हो जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। राजस्थान में अगर अब तक इस मिशन की गति को देखें तो राजस्थान देश में 29वें नंबर पर है। प्रदेश में अब तक 21,31,890 घरों तक नल कनेक्शन है, लेकिन इसमें से सिर्फ 9,57,759 ही जल जीवन मिशन के तहत हुए नए कनेक्शन हैं। 11,74,131 कनेक्शन पुरानी योजनाओं में हो रखे हैं। इस साल जलदाय विभाग को 30 लाख नए कनेक्शन करने का टारगेट मिला था, लेकिन 7.5 महीने में सिर्फ 1,71,821 कनेक्शन ही हो पाए हैं। आधे से ज्यादा साल बीतने पर सिर्फ 5.73% लक्ष्य ही हासिल हुआ है। अगले 4 महीने में 28,28,179 कनेक्शन का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा? इस काम को गति देने की जिम्मेदारी जलदाय विभाग पर है। केंद्र से मिलने वाले टारगेट को राज्य प्रशासन को पूरा करना होता है। ऐसे में चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल सवालों के घेरे में हैं कि आखिर वो जल जीवन मिशन को गति क्यों नहीं दे रहे हैं। ये इस साल हम लोग 30 लाख नए कनेक्शन घर घर देंगे, उसके बाद अगले 2 सालों में बचे हुए कनेक्शन देकर के बस 2024 के अंत तक पूरे राजस्थान में लगभग 1.2 करोड़ लोगों को हम घरों को घर घर कनेक्शन देने का काम पूरा कर सकेंगे। राज्य सरकार अगस्त महीने में ही शायद समझ चुकी थी कि विभाग काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सरकार ने 14 अगस्त को जल जीवन मिशन में तेजी लाने के लिए दिनेश गोयल को चीफ इंजीनियर का अतिरिक्त चार्ज दिया था। दिनेश गोयल के ज्वाइन करने के बाद 3 महीने में महज 57,829 ही नए कनेक्शन हो पाए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर को IAS डॉक्टर पृथ्वीराज को जल जीवन मिशन का अलग से डायरेक्टर भी बनाया है, लेकिन इस मिशन पर कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विभाग के चीफ इंजीनियर को बदलने की जरूरत है? क्या जल जीवन मिशन में अलग से चीफ इंजीनियर बनाना चाहिए, जो कि वर्तमान में दिनेश गोयल के पास अतिरिक्त प्रभार है? सवाल जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत हो, जिस राजस्थान को इस वक्त केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी राजस्थान में घर घर नल का जल पहुंचाने का काम इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है? आशीष चौहान की रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। टोंक के देवली में सरकारी अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन ने एक